इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का बड़ा चेहरा श्यामदेव राय चौधरी, उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान श्यामदेव राय चौधरी की तरफ से लिया गया है। वाराणसी दक्षिण सीट से जीतते आए थे श्यामदेव राय चौधरी लगातार 7 बार, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी ने पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया था, जिस वजह से आहत भी थे श्यामदेव राय चौधरी, और अब उनका चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान। वाराणसी के दक्षिण सीट से 7 बार विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी का टिकट कटने के बाद वो नाराज बताए जा रहे थे। दादा ने अभी वोट डाला है, दादा क्या अपील करेंगे वोट डालने के बाद, अगर उंगली दिखा के आप अपील मतदाताओं से कुछ? अब क्या उंगली तो दिखा दिया, मैं यही अपील करूंगा कि कमल के फूल के चुनाव निशान पर अपना मत देकर काशी की समस्त जो सम्मानित जनता है उनसे मैं ये निवेदन करता हूं कि वह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथों को सशक्त करें और उनको भारत को और आगे बढ़ाने में मदद करें। वाराणसी की दक्षिण की जनता नीलकंठ तिवारी को जिताए? देखिए, यहां नीलकंठ या कोई कंठ मुझे याद नहीं है, मुझे याद है कमल निशान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाराजगी खत्म? नाराजगी खत्म थी ना पहले? नाराजगी थी कभी, वंस अपॉन ए टाइम। दादा अभी 2 दिन पहले तक तो आप नाराज दिखाई दे रहे थे, अचानक दो नहीं, नहीं, वो तो मैं नाटक कर रहा था। दादा ऐसा राजनीति, 7 बार से आप विधायक रहे, सभासद रहे, और वाराणसी के एक एक आदमी आपकी एक एक बात को गंभीरता से लेता है, तो ऐसे में नाटक तो नहीं हो सकता, रातों रात अचानक आपकी भाषा बदल? अब जनता के दुख को कम करना है तो जरूरी है, दिल पे पत्थर रख के कम। मैं जनता के आशीर्वाद से जो कुछ भी हूँ आज, वो जनता के आशीर्वाद से, उनके प्यार से हूँ। दादा का भविष्य, आपका अपना भविष्य क्या है? हमारा कोई भविष्य नहीं है, मेरा जो भविष्य है वो जनता के हाथों सुरक्षित है। अब जैसे विधानसभा में तो आपका टिकट कटने की वजह से विधानसभा में चांस नहीं है, क्या लोकसभा की तैयारी, एमएलसी बनने की तैयारी? या हम कोई तैयारी कभी नहीं किए, ये एकदम पूरी तरह सत्य है कि मैंने कभी कोई तैयारी नहीं की। पार्टी ने अगर टिकट दिया तो चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ते हुए जनता के बीच में गया, जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं विधायक बना। तो माना जाए कि सक्रिय राजनीति से अब आप हट रहे हैं? नहीं, सक्रिय राजनीति में रहूंगा। किस तरह से? एक सेवक के रूप में, प्रधान सेवक है, मैं छोटा सेवक हूं। चुनावी राजनीति में? चुनावी राजनीति में नहीं, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने देखा, ये हैं दादा श्यामदेव राय चौधरी, जिनका सीधा सीधा कहना है कि दादा आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज वाराणसी।